आज हम पीएच हम निकालेंगे जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम मिक्स करते हैं, तो आफ्टर मिक्सिंग उनका जो पीएच होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका जो नॉर्मेलिटी वो है N1 और वॉल्यूम जो है वो V1 है। ये मिक्स हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और इस बेस की जो नॉर्मेलिटी है वो N2 है और वॉल्यूम जो है वो V2 है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ये तो हमको पता चल गया कि ये सॉल्ट एंड वाटर जो है यहाँ पे बनेगा। फिर अब जो ये मिक्सिंग हो रही है, तो इस मिक्सिंग में अगर परफेक्टली मिक्सिंग होती है, अगर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली होता है, तब क्या होता है? तो हम लिखते हैं यहां पे केस 1। इस केस 1 में क्या होगा कि अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हमारा कैसा होगा? न्यूट्रल। तो सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि दोनों इक्विवेलेंट जो होंगे एसिड और बेस के, वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो N1V1 इक्वल टू N2V2। अब आपका केस 2। केस 2 के केस में क्या है कि अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, तब सॉल्यूशन जो होगा इधर एसिडिक और बेसिक। अगर हमारा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो सॉल्यूशन इधर एसिडिक और बेसिक। अगर हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन हमारा कब होगा? जब N1V1 > N2V2। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, जब हम एसिड और बेस को हम मिक्स कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो होगा N1V1 − N2V2 = nRVR, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी एंड रिजल्टेंट वॉल्यूम, ये मिक्सिंग का। फिर अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन कब होगा? जब N2V2 ये इक्विवेलेंट जो होंगे N1V1 से ज्यादा होंगे, तो N2V2 − N1V1 = nR। मतलब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक तभी होगा जब N1V1 जो इक्विवेलेंट है या मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो N2V2 से ज्यादा होंगे, तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉल्यूशन बेसिक बन रहा है, इसका मतलब है कि N2V2 जो इक्विवेलेंट हैं वो N1V1 से जो होंगे वो ज्यादा होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि